जब तक हम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के जंगल राज के खिलाफ गिरफ्तारी देने को आए, और या आप हमें जाने दीजिए शांतिप्रिय तरीके से, और या गिरफ्तार करिए, अब ये पुलिस की मर्जी। सर 144 सीआरपीसी लागू है, प्लीज आपसे निवेदन है, कोविड क्राइसिस चल रहा है, 144 सीआरपीसी लागू है, आगे जाने नहीं दिया जा सकता, प्लीज समझिए आप बात। राहुल गांधी जी अकेले जाने के लिए भी तैयार हैं, उन पर 144 लागू नहीं होती, इसलिए अकेले राहुल जी को जाने दीजिए, वो अकेले पैदल चलकर हाथरस जाने को तैयार है। सर मैं निश्चित निवेदन करूंगा, आप हाईवे पर चल रहे हैं, यहाँ पे सर मेरा निवेदन है, उतर जाऊंगा हाईवे से, उतर जाऊंगा, मेरा ये निवेदन है सर, सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सर लेट मी, मैं जो आप कहेंगे मैं करूंगा, मैं हाईवे से उतर के अकेला जाऊंगा, 144 उस पर नहीं लगता है, तो आप मुझे अकेले हाईवे के साइड पे चलने दीजिए। एपिडेमिक में अकेले चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे अकेले चलने दीजिए, प्यार से जाऊंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है सर, आपके साथ ये आपके लोग नहीं, तो फिर आप मुझे बताओ, समर्थन है आपको हर तरीका से, निश्चिंत रहो हम आपके साथ हैं राहुल जी, निश्चिंत रहो हम आपके साथ हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे सर, हम आपको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, हम आपको सर यहाँ अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करके यहाँ से ले जाएंगे सर। बताइए मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं शांति से यहाँ खड़ा हूँ, भैया कैमरा लाइए सर, मैं अकेला शांति से यहाँ खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ, किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार करेंगे, किस धारा में आप मुझे अरेस्ट करेंगे, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, लाठी चार्ज में हम आपको ये और 118 सर मैं बता रहा हूँ सर, 188 वायलेशन ऑफ एनी लॉ विच हैज बीन सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट, कौन सा लॉ है जी, जिलाधिकारी हाथरस हम लोग के पास, कौन सा लॉ वायलेट कर रहे हैं, तो बता दो तानाशाही का प्लीज शांत करिए, आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप, चुप करो, और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाएंगे क्या है, नहीं जाए सर हम आपने क्रिएट किया ये आपके लोग हैं सर, सर मैं आप लोग रिफंड करता हूँ, गाड़ी लगा ये बताइए आपने किसके आदेश पर लाठीचार्ज, आपने राहुल जी को मारा, राहुल जी को मारा है, देश माफ नहीं करेगा आपको, आपने किसका इशारे पर लाठीचार्ज किया बताइए, डिवाइडर पर नाक पहनो, पूरा नाक पहनो, मास्क पहनो।
तानाशाही होगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद होगी तानाशाही। पीछे थोड़ा दूर से करो, दूर से। अरे यार तुझे धक्का मत बात कर रहे बात से आगे जो है वो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। वही राहुल गांधी कह रहे हैं, आप बताइए कि सुन को नारा कितने दिन जो गिरफ्तार किया जा रहा है, और मैं अकेला जो है यहाँ से हाथरस के लिए निकलने के लिए तैयार हूँ। बार बार जो है वो कहा जा रहा है, और अकेले के ऊपर जो है वो धारा 144 लागू नहीं हो रही है, ये जो है वो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश दूरी करा, दूरी को दूर से बात करो ना। सर पीछे पीछे, सर पीछे भाई, थोड़ा पीछे, सर पीछे, सर बिल्कुल थोड़ा पीछे हो जाओ, बिल्कुल पीछे सर, सर आराम से बताइए, काम कर देंगे सर। राहुल, राहुल क्या कहेंगे पूरे मामले में? पीछे राहुल जी, राहुल सर, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, सर पैदल मार्च को लेकर आपका क्या कहना है सर? प्रियंका मैम,
प्रियंका मैम रणविजय सिंह मैडम का मसला पड़ा होता वो आप चर्चा करते नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और उनसे मैं समझाया जा रहा है जो लगता है ये सुना उसके बाद पैदल जाना पकड़ भी ना कभी साथ जब जाएंगे थोड़ा ध्यान से लग ना जाए कोई नोएडा पुलिस के आला अधिकारी इसमें चर्चा कर रहे थे लेकिन सर अब ये सभी मात्रा जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा सवाल यही है कि जब वो पैदल जाने के लिए तैयार हो चुके थे तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है और वो तो अकेले जाने को तैयार हाँ सो तो जरूरत नहीं है हमारे साथ रंजीत सर अभी क्या यहाँ पर कहा जा रहा है सर राहुल गांधी जी को अकेले जाने नहीं मैं अब उधर फेस पे उधर से करो ना फेस तो आए सर आगे की आपकी रणनीति क्या है जिसे मार्केट में बताइए आगे की रणनीति क्या है ऐसा कुछ नहीं लोकतंत्र है ऐसे कोई पिट जाए लोकतंत्र में यार पागल वाली बात कर रहा हूँ चलिए मेरे से शुरू करिए ठीक है अगर आपको जाने दिया फिर क्या करेंगे वो है कहाँ मेरे को दिखे भी तो पीछे है ना ये राहुल मिल जाएंगे आगे चले जाओ क्या किस तरह की लगातार बहस चल रही है राहुल गांधी प्रियंका गांधी और यूपी पुलिस के नुमाइंदों के बीच इस वक्त मौजूद है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के सामने जो तंत्र से आगे है राहुल गांधी प्रियंका
गिरफ्तारी की खबर आ रही है, हम फिर एक रिएक्शन हम जानने की कोशिश करते हैं। आला नेता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, राहुल सर, राहुल सर, राहुल सर, आपकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है, राहुल सर, राहुल सर, आपके सर क्या गिरफ्तार किया जा रहा है आपको? यहाँ पे राहुल और प्रियंका दोनों मौजूद हैं, देख सकते हैं कि प्रियंका और राहुल दोनों यहाँ पे खड़े हैं, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन बातचीत की जा रही है पुलिस के आला अधिकारी द्वारा, राहुल जी इनकी साक्षी करने वाले, उन्होंने पूरा घेराबंदी की है दोनों की, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, बार बार और भी पिछले आप अपनी विश्वसनीयता खत्म हो गई। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजे निकल जाएंगे, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं।